झारखंड के नए राज्यपाल बने संतोष कुमार गंगवार। भगवान बिरसा मुंडा जी की भूमि पर संतोष गंगवार का स्वागत। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। वहीं सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के नव नियुक्त राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को बधाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झारखंड के नव नियुक्त राज्यपाल आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की महान और वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इधर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की भूमि पर संतोष गंगवार जी का स्वागत है। वो राज्य के अभिभावक के रूप में राज्य के विकास की गति को नया आयाम देंगे। राज्यपाल हाँ, आदरणीय संतोष गंगवार जी राज्यपाल झारखंड के बने हैं, उनका स्वागत है। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर संतोष गंगवार जी का अभिनंदन है, स्वागत है। वो सबके राज्य के अभिभावक के रूप में विकास की गति को नया आयाम देंगे, उनका अभिनंदन है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संतोष कुमार गंगवार ने पोस्ट करते हुए लिखा, झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने पर मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मुझ पर विश्वास और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं समर्पण, निष्ठा और प्रगति की दृष्टि से झारखंड के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आइए हम सब मिलकर अपने राज्य और देश के लिए एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। आपके निरंतर समर्थन और आशीर्वाद के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बता दें कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 16वीं लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। 2014 के चुनावों में वो उत्तर प्रदेश की बरेली सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए, तो वहीं 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। संतोष गंगवार बरेली में विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। साल 1996 में बरेली में वो शहरी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना को लेकर पूरी तरह सक्रिय थे और 1996 की शुरुआत में वो इस बैंक के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे। बरेली में चौपला रेलवे स्टेशन का निर्माण, स्टेट आर्ट लाइब्रेरी, मिनी बाईपास सहित तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण का श्रेय संतोष गंगवार को जाता है। वो बरेली लोकसभा से लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं और अब इनकी कामयाबी को देखते हुए भारत की राष्ट्रपति द्वारा उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।